विश्वनाथ मंदिर के बाहर का सीन है, आप देख सकते हैं। हम लोग मणिकर्णिका घाट पे, और आप देख सकते हैं यही बनारसी साड़ी भैया लोग हमारे लिए, अपने भाभी के लिए। इधर अमन भैया है, इधर गौतम भैया है, गौतम भैया ले लिया। अच्छा, उसमें कई लोग मर गए। अच्छा, हेलो सर, नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि पता है आपको, ये बनारस टूर का वीडियो है, तो इसमें आज मैं आपको बनारस के कुछ प्राचीन मंदिरें दिखाऊंगा, जिसमें से एक हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। तो आप जो अभी ये प्रतिमा देख रहे हैं, ये अहिल्याबाई जी का है, और इन्हीं के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया गया था। तो आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही अच्छा है। ये पूरा बाहर का है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो अंदर का हम लोग वीडियो शूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैं कुछ रील्स और कुछ दूसरे लोगों के द्वारा वीडियो बनाया गया, उसमें मैंने दिखाया कि अंदर से वो कैसा दिखता है। तो ये पूरा बाहर का सीन है, और आप यहाँ पे रात 11 बजे तक रुक सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 11 बजे के बाद सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा खाली करवा दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा अंदर का नज़ारा, आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको एक अलग सा पॉजिटिव वाइब मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत माता का भी प्रतिमा है, और भारत माता के पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, उसमें भी हमारे शिव जी विराजमान है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, वीडियो में कंटिन्यू रहिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग को भी कभी मौका लगे तो बनारस जाइए, और काशी विश्वनाथ जरूर भ्रमण कीजिए जाके, बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव वाइब आपको वहाँ से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह के वहाँ पे पूरा अंदर का डिज़ाइन है, और बहुत ही अच्छा अंदर में आपको फूड कोर्ट वगैरह भी मिल जाता है। तो अगर आपको कुछ नाश्ता वगैरह या खाना वगैरह खाना है, तो आप अंदर ले सकते हैं। और ये पूरा बाहर का सीन है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैंने वीडियो अंदर का रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखेंगे, तो आपको अंदर का वीडियो दिखेगा, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया मेरे पास वीडियो था, तो मैंने वो डाला है। तो ये सारा देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है पूजा करने के लिए। वहाँ पे कुछ दलाल लोग रहते हैं, जो कि आपको बोलेंगे कि 1100 रुपये लगेगा, 1200 रुपये लगेगा, लेकिन आपको पैसा नहीं देना है। आप सुबह आइए, 2 बजे 3 बजे आइए, और पूजा करके आराम से जाइए। स्पर्श करके पूजा करने के लिए नहीं मिलता है, तो आपको लाइन में ही लग के पूजा करना पड़ेगा। लाइन में लगना होगा, मंदिर में जाकर जल डालना होगा। और हाँ, आप प्रसाद वगैरह बाहर से ना लें, आप अंदर आए, अंदर में ही मोबाइल रखें, और अंदर ही प्रसाद खरीदे, आपको अंदर में सारा व्यवस्था मिल जाता है। क्योंकि अगर आप मोबाइल बाहर कहीं लॉकर में रखते हैं, जो पुजारियों के द्वारा या प्रसाद बेचने वालों के द्वारा लगाया जाता है, तो उनका रेट भी थोड़ा हाई रहता है। वो एक्चुअली लॉकर का पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन वो जो प्रसाद उसका 200-250 का प्रसाद होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अहिल्याबाई जी है, और मतलब हर एक जगह। और ये जो आप साइड से रास्ता देख रहे हैं, यहीं से आपको मणिकर्णिका घाट जाने के लिए रास्ता मिलता है। तो हाँ, जैसे मैं बता रहा था, बाहर में प्रसाद ना ले, आप अंदर आए, मंदिर के अंदर ही सारा व्यवस्था रहता है, प्रसाद लेने का भी और मोबाइल रखने का भी। इससे क्या होगा कि जब आप पूजा करके बाहर निकलेगा, तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा अपने मोबाइल लेने के लिए। आप वापस मंदिर में ही जाके अपना मोबाइल ले सकते हैं, और जो भी फोटो वगैरह बाहर में क्लिक करवा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब पूजा करने गए थे, तो हम लोग अपना मोबाइल बाहर ही रख दिए थे, जिसकी वजह से हम लोग सुबह पूजा करने के टाइम में कोई फोटो वगैरह मंदिर के बाहर नहीं ले पाए थे। तो आप लोग से ये सजेशन रहेगा कि आप लोग अंदर मोबाइल रखें, और बाद में आप पूजा करने के बाद आप अपना मोबाइल जाके ले लें, और उसे फोटो वगैरह भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, आप वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। और दोस्तों, मैं यहाँ के बारे में अगर आपको अच्छी बात बताऊँ, तो यहाँ जैसे ही आप मंदिर में एंटर करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में, आपको एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगती है। और यहाँ पे सारा कुछ बढ़िया व्यवस्था है। अगर आप पैसा लेके नहीं आए, तो यहाँ पे भी ATM का सुविधा है, SBI का ATM लगा हुआ है, आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा व्यवस्था है कि आप आके आराम भी कर सकते हैं, आपको बहुत ही अलग सा फील होता है यहाँ पे आने के बाद। और हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे पूजा करने की विधि बताता हूँ। तो सुबह मंदिर खुलती है 4 बजे, और 4 बजे मंदिर खुलती है, लेकिन आपको लाइन में आके लग जाना है, 2 बजे 3 बजे तक लाइन में आके लग जाना है, तभी आपको 1 से 2 घंटा के अंदर पूजा करके निकल सकते हैं। नहीं तो ये जो लाइन है, दोपहर 3 बजे तक लगी रहती है, और भीड़ भरा हुआ रहता है श्रद्धालुओं के द्वारा सावन के टाइम में। मैं सावन के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि अभी जो हम लोग पूजा करने गए थे, वो सावन का टाइम में था, तो इस वजह से भीड़ था। अब इसके पहले भीड़ रहता है नहीं रहता वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, सावन के टाइम में आप जब भी जाइए, तो आप इतना कोशिश कीजिए कि आप सुबह 3 बजे तक आके लाइन में लग जाइए, तभी आप जाके 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूजा करके निकल सकते हैं। नहीं तो ये लाइन 2 बजे 3 बजे शाम तक ऐसे ही रहती है। तो चलिए, अभी ये सब पूरा आप देखिए, इसके बाद फिर आपको हम मणिकर्णिका घाट पे लेके चलेंगे। तो ये सारा काशी विश्वनाथ मंदिर का है। अभी आप अभी ये
बैठे हुए हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो यहाँ का मेन मंदिर है, और यहाँ से भी जाना है मणिकर्णिका घाट। और अगर आपको मणिकर्णिका घाट जाना है तो आपको यही काशी विश्वनाथ मंदिर आना पड़ेगा, जो गंगा जी के पास है। क्यों वो वाला नहीं, जो वो वाला काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जो कि काशी विश्वविद्यालय में है, आपको गंगा घाट वाला जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो मेन मंदिर है, वहाँ से आपको वहाँ आना है। और वहाँ से ही आपको अगर मणिकर्णिका घाट घूमने जाना है तो जा सकते हैं। और जब आप अंदर आइएगा तो यहीं पे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जब नीचे आइएगा तो यहीं पे एक अहिल्या बाई है नीचे में, मैं आपको दिखाया था, और यहीं से रास्ता है मणिकर्णिका घाट जाने का। और आप किसी भी सरकारी कार्ड से पूछ सकते हैं, और यहाँ पे आप रात 11 बजे तक काशी विश्वनाथ मंदिर में घूम सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा खाली करवा दिया जाता है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं मणिकर्णिका घाट, आपको हम दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट में क्या है कैसे है। और मणिकर्णिका के घाट पहुँच कर आपको बताते हैं मणिकर्णिका घाट का क्या मान्यता है और वहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो चलिए चलते हैं मणिकर्णिका घाट पे। ये अहिल्या बाई जी, और यहाँ से जब आप उधर से नीचे आइएगा तो यहाँ से ये रास्ता जाता है, आप यहाँ से मणिकर्णिका घाट जा सकते हैं। उधर से आप नीचे उतरना है, नीचे उतर के इधर से मणिकर्णिका घाट की ओर जाना है। ये पूरा मणिकर्णिका घाट का रास्ता है। और यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ लोग, जैसे ही आप मंदिर में इंटर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि 1100 पूजा के और 2200 पूजा के, तो ऐसा कुछ होता नहीं, सारा कुछ आप फ्री में होता है, ऐसा बिल्कुल भी ना दे किसी को। हम लोग मणिकर्णिका घाट पे, और आप देख सकते हैं ये मणिकर्णिका घाट, अभी लाइट चली गई है तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन यही है मणिकर्णिका घाट। और जैसा कि यहाँ पे मान्यता है कि जो भी यहाँ पे जिनको भी यहाँ पे जलाया जाता है वो उनको डायरेक्ट स्वर्ग लोक में। हाँ, और दूसरा चीज़ क्या है ना कि जो सुनने में आया कि शिव जी खुद आते हैं उनके कानों, जो लोगों को जलाया जाता है उनको खुद कानों में कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं और उनको यहाँ से स्वर्ग लेके जाते हैं। और एक और भी मान्यता यहाँ पे कि यहाँ पे वो आग कभी बुझती नहीं है, मतलब हमेशा जलती रहती है, कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए ये आग जलती रहती है हमेशा। तो यहाँ का यही मान्यता है। अभी मैं रात में आता इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं, और लाइट भी कटा हुआ है, तो ये पूरा देख सकते हैं। और इधर ये पूरा घाट वगैरह है, यहाँ पे जो जलाने वाले लोग हैं वही सब होंगे यहाँ पे, यही सब। अभी अंधेरा हो गया कुछ दिख नहीं रहा, दिन में ही आना चाहिए। तो ये पूरा मणिकर्णिका घाट का पार्ट है। हाँ, अभी लाइट आ गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। तो पूरा मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे देख सकते लोग वगैरह सोए हुए हैं। और ये जो मंदिर है ये 6 महीने पानी में रहता है, 6 महीने पानी से बाहर आता है। हाँ, ये वाराणसी का मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे ये मान्यता है कि यहाँ पे पिंड का जो अस्थि पिंड दान और जो अस्थियाँ होती है अस्थियाँ को भी विसर्जित किया जाता है, और उसी से जो है सो उसका मोक्ष प्राप्ति मिलती है, होती है, और उसी से शुभ माना जाता है। ये बहुत ही शुभ जगह होता है, और आप देख सकते हैं कि कितना सारे यहाँ पे 2400 घंटा हर एक दिन जलते रहती है। और यहाँ का एक और मान्यता है कि जितना भी आंधी आ जाए, जितना भी तूफान बाढ़, लेकिन यहाँ वो जो आग जलती है वो जलते रहती है। तो ये है पूरा यहाँ का, और आपको दिखाया था जहाँ पे अस्थि जलाई जाती है, सॉरी जहाँ पे लाशें जलाई जाती है ये। और ये नाव बन रहा है पूरा, देख सकते हो कितना लंबा नाव बन रहा है, बहुत ही लंबा बन रहा है नाव, अभी इसी का काम चालू है यहाँ का। चलिए आपको लेके चलते हैं दूसरी जगह। अभी हम लोग गए थे क्रिकुंड, लेकिन वहाँ पर वीडियो वगैरह अलाउ नहीं था, वहाँ पर वीडियो वगैरह बनाया नहीं है। अभी सीक्रेट कैमरा से थोड़ा बहुत बनाया तो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ क्रिकुंड का बहुत ही मान्यता है, तो आप देख सकते हैं कभी बनारस आइए तो क्रिकुंड जाइए घूमने के लिए। फोटो
तो नहीं ले सकते। आप बोले थे भैया बहुत देख लिया, बोले थे हिंदी में उसको हम समझ नहीं पाए। राइस राइसी टाइप का। हाँ अभी हम लोग गए थे त्रिकुण और वहाँ से सब आ गए हैं त्रिकुण से। त्रिकुण मंदिर है शिव जी का और वहाँ का बहुत ही मान्यता है, अभी वहाँ से हम लोग आए हुए हैं और जा रहे हैं अंदर। वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था लेकिन अपने सीक्रेट कैमरा से हम थोड़ा बहुत बनाया है, देखते हैं कैसा आया है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। जा रहे हैं सारे मंदिर दर्शन करने के लिए, इधर दो तीन मंदिर है और हम लोग यहाँ खाली पैर जा रहे हैं और अपना चप्पल वगैरह जूता वगैरह ऑटो में डाल दिया। तो जा रहे हैं पूरा ये मंदिर हम देख सकते हैं, कितना ही मस्त व्यू है। ये है श्री दुर्गा विनायक गणेश जी का मंदिर, देख सकते हैं आप। देख सकते हो पूरा ये मंदिर है माता रानी का। बंद कर दे। मेन गेट से इस साइड हो जाएगा मिठाई दुकान है। यही मंदिर गए थे उस साइड से, लेकिन अंदर वीडियो लेना या फोटो लेना मना था, तो हम आपको बाहर से दिखा दे रहे हैं। श्री दुर्गा माता मंदिर है और अब हमारे ऑटो वाले पता नहीं इधर ही कहीं आने वाले थे, दिख नहीं रहे हैं, तभी उनको पहुँचते। तो यही पूरा मंदिर है, आप आइए तो जाइए बनारस, आइए कभी बनारस तो आइए घूमने के लिए यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं मेरे ऑटो वाले कहाँ पे हैं। ये त्रिदेव मंदिर, ये पूरा त्रिदेव मंदिर आप देख सकते हैं। और अजय टूर गाइड हमारे साथ, हमारे ऑटो वाले हैं जो हमें टूर गाइड की तरह हेल्प कर रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं कैसे कहाँ क्या है। तो इसी तरह से है सारा कुछ यहाँ पे। यहाँ के बारे में इतिहास बता रहे हैं, त्रिदेव मंदिर के बारे में बताइए भैया। यह त्रिदेव मंदिर है, ये ऐतिहासिक है। नहीं ये संकट मोचन है, लंका जगह का नाम क्या है? ये संकट मोचन एरिया है, ठीक है। मानव मंदिर जो आप देखे हैं, ये मानव मंदिर एरिया पूरा संकट मोचन एरिया, संकट मोचन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सावन का मेला लगता है, सवा महीने का बहुत विशाल मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला ये। वो जो झूला देखने वाला कहानी बता रहे थे, झूला जिसे देखिए झूला लगा हुआ है। हाँ ये झूला लगा हुआ है, इधर झूला लगा हुआ है, ये तो अब कम हो गया है, क्योंकि झूला बिजनेस है। मतलब ऐसा हो गया एक बार बरसात, ऐसा हो गया कि झूला ही गिर गया, उसमें कई लोग मर गए थे। अच्छा हाँ बरसात की वजह से, मतलब जिसे धस गया है, कोल ही धस गया पूरा, जब थक गया तो कई लोग हाँ, तो उस वजह से झूला वगैरह यहाँ लगना बंद हो गया। ये सब झूला बंद हो गया, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी झूला लगती थी यहाँ। अच्छा ये देखिए ये सब झूला लगा हुआ है, अब वो सब बंद हो गया ना। बहुत बहुत है, ये सवा महीने का पूरा मेला लगता है, एक यहाँ लगता है एक सारनाथ में। अच्छा। शाम को सब स्टार्ट करते हैं, ये दिन भर का मेला है और रात 12 बजे तक का ये मेला चलता है। ये केवल धूप की वजह से मेला आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसे आप दुर्गा कुंड। अभी हम लोग काशी विश्वविद्यालय में एंटर कर गए हैं और ये हम अपने लाइफ में पहली बार एंटर कर रहे हैं काशी विश्वविद्यालय।
काशी विश्वविद्यालय के अंदर का है, अभी आपको बाहर से दिखाया था। चलिए चलते हैं क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा जल रहा है। चलिए भी आगे राजा। हाँ चलिए। अच्छा इधर विश्वनाथ मंदिर है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर। हाँ, ये नया मंदिर है। अच्छा पैर जल रहा है बहुत। पैर जल रहा है? हाँ पैर बहुत जल रहा है। काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ और पक्का एक बजने वाला, आप देख सकते हो ऊपर टाइम। पैर जल रहा है बहुत क्योंकि हम खाली पैर आए हुए हैं। पैर का क्या हाल हुआ? हाँ वही तो, मेरा पैर तो पूरा जलने लगा। उतना गर्म नहीं है जितना वो गर्म था। क्या लड़ाई कर रहे हो दीदी? चल के तो स्टिकर वगैरह यहाँ पे आपको लेना हो ले सकते हैं। हाँ ये पूरा नया जो बना वो है और जो मेन है ना गदौलिया चौक पे है, वही करना है। हाँ। बाबा विश्वनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ तो है घाट के बगल में, यहाँ पर तो ये सब है। ये भी बहुत पुराना है, बहुत ये पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर जो नया वाला बना हुआ है। चलिए भी आपको अंदर ले जाके हम आपको भी अंदर ले जाके हम दिखाते हैं। चलिए ना अंदर चलना है ना। चलिए अंदर चलते हैं, लाइन में लगना होगा ना। यहाँ लाइन से लग के चलिए अभी हम लोग चलते हैं अंदर। काफी विश्वनाथ द्वारकपाल जी हैं, तो ये लाइन लगा के अंदर जाना पड़ेगा। हीरो काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी हम लोग अंदर से आगे दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। अभी फिर से हम लोग का पैर जलने वाला है। हमारे गाइडर हैं, हमें पूरा गाइड कर रहे हैं कहाँ क्या है, यहाँ के इतिहास वगैरह पूरा बता रहे हैं ये। हाँ,
तो अभी देखे पीछे पूरा मेरा काशी विश्वनाथ मंदिर है, अभी आपको पूरा ये अंदर दर्शन करवा दिया है। और इसी तरह से आप देख सकते इधर मदन मोहन मालवीय जी का वो मूर्ति बना हुआ है, तो यही है, यही मैंने स्थापित है मदन मोहन मालवीय जी, इनको ये काशी विश्वनाथ स्थापित करवाए थे, उन्हीं का निर्माण है। हाँ उन्हीं का है, तो यही है पूरा यहाँ का। अब वीडियो में कंटिन्यू रही, आपको पूरा बनारस, पूरा बनारस दिखने वाला है इसमें। और देख सकते अभी थोड़ा गर्मी भी हो रही है और अभी बज रहे हैं दिन के देर। यही है पूरा यहाँ का मेन, जो काशी विश्वविद्यालय में देखने के लिए यही काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो मेन यही है काशी विश्वनाथ मंदिर जी है, काशी विश्वनाथ मंदिर है काशी विश्वविद्यालय में, और यहाँ पे कुछ है नहीं। अभी हम लोग जाएंगे गदौलिया, शाम में जाएंगे गदौलिया। भाई हमारे हैं गाइड साहब, ये पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर का है। अब हमारी ऑटो आगे लगी हुई है तो जा रहे हैं आगे, ऑटो पे बैठेंगे फिर चलेंगे नए डेस्टिनेशन की ओर। लोग यहाँ मंदिर से निकल गए विश्वनाथ मंदिर से, अब जा रहे हैं अपने नए डेस्टिनेशन की ओर, तो चलिए वहाँ पे जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं श्री श्री कोट माता मंदिर है, और घंटी बजा देता है। तैयार कोट माता मंदिर चलिए अब चलते हैं यहाँ से। यूपीएससी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, हाँ ये तो है। ये सारा काशी विश्वविद्यालय में ही है, और ये विश्वनाथ मंदिर बनने से पहले ही बना था। और इसमें अंदर भी मोबाइल ले जाना कुछ अलाउ नहीं, तो अभी यहाँ पे लॉकर है, लॉकर में सारा सामान डाल देंगे। आइए देखा जाए कहीं ये पूरा यहाँ का जाएगा। तो अभी यही लॉकर में हम लोग अपना मोबाइल वोबाइल रख देते हैं। बनारसी साड़ी भैया लोग हमारे लिए, अपने भाभी के लिए। इधर अमन भैया हैं, इधर गौतम भैया है, गौतम भैया ले लिए अभी दो साड़ी ऐसे ही है यहाँ पे। तो ये लोग भी ले रहे हैं अपनी शॉपिंग वगैरह हो रहा है यहाँ पे, बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ सब है, ये सब नॉर्मल हम भी दे रहे हैं, तुम दे रहे हो तो हम दे रहे हैं। ये सब नॉर्मल बनारसी है, 2500 तक का है, एक ही बची है तो वही दे दे रहा हूँ। अलग अलग रेंज का है, लेकिन अगर ओरिजिनल बनारसी लेने जाएगा तो 10,000-12,000 से स्टार्ट ही है। बहुत बारीकी से सारे पसंद कर रहे हैं। वाइफ होने के बाद एक कष्ट तो है। यहाँ से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, ये हम लोग का संडे है आज, और अभी 10:45 हो गया है। और अब यहाँ से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, अपना सामान वगैरह सारा पैक कर लिए। अब यहाँ पे जल वगैरह है लेके जाना है, इधर प्रसाद रखा हुआ तो वो सब लेके जाना है। और यहाँ का चार्ज था 2500 एक दिन का। अब आज हम लोग की ट्रेन है तो इसलिए हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। देख सकते हैं आप बाहर का व्यू। तो चलिए चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलते हैं अब यहाँ बनारस से। यहाँ से हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए हैं, और देख सकते हैं शाम हो रही है, भीड़ बढ़ते जा रही है।
बस बनारस रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हम लोग। देख सकते हैं रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ पे हमारी ट्रेन हो गई ऑलमोस्ट लेट, तो हम लोग हमारी ट्रेन यहाँ पे 12:30 तक आएगी और अभी हो रहे हैं 6:30, तो बहुत ज़्यादा देरी वेट करना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, देखते हैं डोमेंट्री मिले, देखते हैं यहाँ पे कुछ वेटिंग हॉल वगैरह या डोमेट्री वगैरह मिले रहने के लिए, तो वहाँ पे जाके रेंट पे ले लेंगे अभी। ये वाराणसी रेलवे स्टेशन और हम लोग जहाँ रह रहे थे वो काशी था, और काशी रेलवे स्टेशन अलग है, और वाराणसी में ये वाराणसी जंक्शन है, और सिर्फ आप अगर यहाँ पे बनारस से बनारस से सिर्फ वाराणसी बोल दे तो आपको दूसरे रेलवे स्टेशन पे लेके चला जाएगा, तो आपको बनारसी जंक्शन बोलना है, वाराणसी जंक्शन बोलना है, तो फिर आप यहाँ पे आपको यहाँ इस रेलवे स्टेशन पे लेके आएगा। और ये पूरा रेलवे स्टेशन है आप देख सकते हैं, तो और ये जो आप अभी देख रहे हैं ये वाट टैंकी, पानी टैंकी है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे मूवी में भी आप इस टैंकी तो देखे होंगे। तो यहाँ भी रश है, अब रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अभी ऊपर जा रहे हैं हम, हम लोग ऊपर डोमेट्री रूम मिलता है, तो हम लोग 5 घंटा के लिए डोमेट्री रूम ले लेंगे और वहीं पे इंतज़ार करेंगे अपने ट्रेन का। चलिए वहाँ देखते हैं, रूम लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ तो आए थे डोमेट्री लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे बेड अभी खाली है ही नहीं, तो देखते हैं कि नीचे कहीं वेट करना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन में तो डोमेट्री रूम नहीं मिला था, तो अभी जा रहे हैं स्टेशन के बाहर, देखते हैं कोई रूम मिल जाए, तो अभी हम लोग 4-5 घंटे वहाँ रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि जब से हम लोग आए तो ऑलमोस्ट सोए नहीं है, और मतलब हम लोग सैटरडे को घर से निकले थे रूम पर से, सॉरी फ्राइडे, क्योंकि हम लोग फ्राइडे नाइट को घर से वहाँ से निकले थे अपने रूम से, और फ्राइडे नाइट को निकले थे तो हम लोग ट्रेन में सोए थे, और उसके बाद सैटरडे मॉर्निंग यहाँ आ गए, सैटरडे मॉर्निंग को फिर हम लोग घूमने निकल गए, और इस तरह से सैटरडे ख़त्म। फिर हम लोग संडे को रात में, सैटरडे रात में आए थे रूम में लगभग 11:30 बजे, और सोते सोते हो गए थे 12:30, और 2:30 बजे से हम लोग फिर स्नान करने के लिए जाना था, तो फिर हम लोग पूजा करने के लिए निकल गए, तो फिर सो नहीं पाया, तो फिर थकावट ज़्यादा है, तो इसीलिए जा रहे हैं, देखते हैं अभी रूम। तो जा रहे हैं देखते हैं गली में कोई रूम मिले तो फिर रूम लेते हैं, क्योंकि इधर पहले गली में मैं रह चुके हैं, उस टाइम आए थे 2019-20 में, तो अभी जा रहे हैं इधर ही देखते हैं कोई रूम मिले तो फिर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं रूम यहाँ का कैसा है स्टेशन के बाहर वाला, वीडियो में आप कंटिन्यू रहिएगा। अभी एक लॉज ही मिला है, लॉज का नाम है, ये देख सकते हैं आप, श्री लक्ष्मी नारायण लॉज, अंदर 600 का पड़ा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ रूम कैसा है। यही लॉज है और इसी में हम लोग को रूम मिला है 600 का, बड़ा ही घटिया सा काम चलाओ सा रूम है। फिर रूम ओपन होता है, फिर आपको 104 है ना, रूम ओपन हो रहा है, रूम ओपन करके आपको दिखाते हैं, 103 है, हमारा रूम ये वाला है 103, और यहाँ पे एक मंदिर भी है। ये है घटिया से रूम उस समय, लेकिन हमारी मजबूरी थी और हम लोग थके भी इतना थे कि चाहिए था आराम, ये है कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ। तो चलिए वीडियो में आप कंटिन्यू रहिएगा, अभी और आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग यहाँ से रूम चेकआउट कर रहे हैं 12:00 PM, 103
600 चंदा रात के 12 बजे बनारस स्टेशन का सीन, सॉरी बनारसी स्टेशन का सीन। हम लोग भी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ गए हैं क्योंकि हमारे कहीं गंगा सतलुज 8 बजे आना, 8वें प्लेटफॉर्म पे आएगी और ये आने वाले जैसे रात में 8:50 में, लेकिन आ रही है सुबह 1 बजे को पहुंचने वाली है, तो काफ़ी लेट है और काफ़ी परेशानी भी है हम लोग, जैसा आप वीडियो में देखे ही होंगे। अब यही है, चलिए अब ट्रेन का वेट करते आने का। अभी बज रहे हैं 12, 1 घंटा भी और लगेगा। अभी हम लोग का ट्रेन 1 बजे है, पक्का 1 हुआ है और अभी ट्रेन इंटर कर गया है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, देख सकते हैं आप। पेपर करिए क्या और यहाँ पे इतना रश है ना, रश की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी है बना। यहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतर गए थे हजारीबाग रोड स्टेशन सुबह 8:30 बजे के आसपास, और फिर यहाँ से हम लोग का रूम था 35 किलोमीटर जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वापस हम लोग को वहीं पे जाना था, तो फिर हम लोग अपनी बाइक मंगाए और फिर निकल गए अपने वापस वहीं उसी छोर पे जिस छोर से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर कहीं पर कुछ कमी लग रही है कि वीडियो में और कुछ हमको इन्हेंस करना है सुधारना है तो बिल्कुल आप थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं जिससे हम अपने वीडियो में और भी सुधार ला सके, क्योंकि मुझे भी पता है कि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, कुछ वीडियो डाला है तो और मुझे सुधार लाना ही है इसमें, तो अगर आप लोग को लग रहा है तो थोड़ा उस चीज़ को हाईलाइट कर दीजिए जिससे मेरे लिए आसानी होगा उसको सुधारने में। और दोस्तों, मेरी अपकमिंग वीडियो है उड़ान, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, 2-3 दिन के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। और इसके पहले मैंने एक कविता लिखी थी मेरी कलम, जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया था, वो मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड किया था, तो मैं उसका लिंक अभी नीचे डाल दूंगा, तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, मैं उस उड़ान वीडियो के साथ आऊँगा अगली वीडियो में, और आप भी अपना उड़ान जारी रखिए।